नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं मनोविज्ञान की कक्षा में पुनः उपस्थित हूँ, जिसमें आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट, सुपर टेट, DSSB या शिक्षक संबंधी पात्रता या शिक्षक भर्ती से संबंधित या अन्य परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है जो हम आज पढ़ेंगे। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इन्होंने क्या किया है कि जो इससे पहले पियाजे का सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत, उसी को और ज़्यादा परिष्कृत किया है और उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और इसमें इसके अंतर्गत इन्होंने 10 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका इन्होंने विभिन्न रूप से व्यापक रूप से साक्षात्कार लिया है, और साक्षात्कार के बाद इन्होंने उस साक्षात्कार का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया है। और विश्लेषण के पश्चात इन्होंने पाया है कि जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उसमें कुछ नैतिक दुविधाएं होती हैं। तो नैतिक दुविधा खास करके आप जब लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो किसी भी परीक्षाओं में पूछी जाती है वो आपका नैतिक दुविधा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या है नैतिक दुविधा, मोरल DILEMMA, अर्थात मोरल डायलेमा इन्होंने कहा है, नैतिक दुविधा इन्होंने कहा है। नैतिक दुविधा से मतलब क्या है सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो नैतिक दुविधा दरअसल क्या है कि इसमें जो प्राधिकार होते हैं, अधिकार होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा मन होता है, जो हम करना चाहते हैं, जो हम जोड़ी है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ जो कि एक तरफ नियम है और एक तरफ उपकार करना चाहते हैं या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, तो इससे संबंधित ये होती हैं। इन दोनों में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल होते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका नियम सिद्धांत कानून होता है और दूसरी तरफ आप किसी की अच्छाई करना चाहते हैं, लेकिन उसमें दोनों में फ़र्क होता है। तो इन मॉरल जो दुविधा है, अर्थात इसको हम नैतिक दुविधा के साथ नैतिक असमंजस भी कह सकते हैं, तो इस नैतिक असमंजस के बीच इन्होंने फ़र्क बताया है। और इसी के माध्यम से इन्होंने हालांकि बहुत सारी लघु कथाओं का इन्होंने रचा है, लेकिन उसमें से एक जो लघु कथा है ये बहुत ही ज़्यादा इनका प्रसिद्ध हुआ, मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा, जो कि एक मिनट का के आसपास का है। इन्होंने एक यूरोप में एक महिला रहती है, महिला एक अजीब से अलग टाइप के कैंसर से वो पीड़ित रहती है। अब पीड़ित रहती है, काफ़ी पीड़ित रहती है, और उसकी जो दवा है वो मात्र एक ही जो विक्रेता है, दवा की विक्रेता उन्हीं के पास वो उपलब्ध रहता है, बाकी किसी के पास वो उपलब्ध दवा नहीं रहती है। अब नहीं रहती है और इनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी ही रहती है, तो इनके जो इस महिला के पति जो हिंज नाम का था वो क्या करता है कि और हाँ, जो दवा का विक्रेता था वो अपने लागत से कम 10 गुना ऊंची दाम पर वो उस दवा को बेचना चाहता था। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर $200 अगर उस दवा का की लागत थी तो वो $2000 में वो बेचना चाहता था। अब दिक्कत क्या थी कि इसके पास हिंज के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता है। अब वो बहुत सारी, क्योंकि उसको दवा का दाम मालूम हो गया कि $2000 है, तो वो बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया उन्होंने, लेकिन कर्ज के पश्चात भी उसके पास मात्र $1000 ही उपस्थित हो पाया। अब वो $1000 लेकर के उस दवा विक्रेता के पास जाता है और उससे अनुरोध करता है कि मेरी पत्नी मरणासन्न अवस्था में है और अगर आप दवा नहीं देंगे तो वो कैंसर से मर जाएगी, आप दवा मुझे दीजिए, आप या तो ये आधे पैसे पर मुझे दवा दे दीजिए या फिर आप अभी आधे पैसे आप लीजिए और आधे पैसे मैं बाद में आपको दूंगा। लेकिन इसकी प्रार्थना को, अर्थात हिंज की प्रार्थना को, वो दवा विक्रेता बिल्कुल ठुकरा देता है। अब होता क्या है कि जब इसको कोई और चीज़ नहीं सूझता है, वो उस रात में क्या करता है
तो दवा विक्रेता जो था उसके दुकान के शटर को तोड़ देता है और वो संबंधित दवा को वो चुरा लेता है। अब चुरा लेता है तो इससे अब आप देखेंगे कि एक तरफ कानून है और एक तरफ परोपकार है। अब एक तरफ वो हिंज बचाना चाहता है अपनी पत्नी को, दूसरी तरफ ये है कि कानून उसको अधिकार नहीं देता है कि आप चुरा लेंगे या फिर इस प्रकार की हरकत करेंगे। तो इस प्रकार से जो इन्होंने बताया है, कोहलबर्ग ने बताया है, इसी अवस्था को इन्होंने मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया है। जो मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया है, जिसमें कि एक आपका प्राकरूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, जो कि मुख्य रूप से 4 से 10 वर्ष का होता है, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। फिर दूसरा इन्होंने बताया है कि रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, ये मुख्य रूप से 10 से 13 वर्ष का होता है, जो कि लेवल ऑफ कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। और फिर जो तीसरी अवस्था है वो उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, लेवल ऑफ पोस्ट कॉन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। इन्होंने इसी अवस्था को लेकर के, नैतिक तर्कणा को लेकर के, इन्होंने मुख्य रूप से नैतिकता को तीन भागों में विभाजित किया है। अब ये जो पहला आप देखेंगे कि प्राकरूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, जो लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग है, ये क्या है? जैसे कि इसमें मुख्य रूप से 4 से 10 साल का जो बच्चा होता है वो आता है, तो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा वो नैतिकता को नहीं जानता है, नहीं मानता है। अब वो नहीं जानता है, नहीं मानता है, तो इसमें क्या होता है कि वो दूसरे की नैतिकता पर वो आधारित रहता है। अब वो ये देखता है कि अगर मान लीजिए कि उसके माता पिता, उसके शिक्षक, उसके बंधु, उसके भाई, उसके दादाजी, उसके जो भी जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उस पर वो आधारित होता है। उसी को वो क्या मानता है कि नैतिकता यही चीज़ होती है। अब वो इस अवस्था में क्या होता है कि वो आज्ञाकारिता होती है, मतलब छोटे छोटे परिणाम को पाने के लिए, दंड से बचने के लिए की कोशिश करता है। दंड से बचने की कोशिश में वो अच्छा काम करने लगता है, या फिर पुरस्कार पाने के लिए कुछ चॉकलेट या वगैरह इस तरफ से पाने के लिए कुछ वो अच्छा काम करता है। अर्थात इसमें जो नैतिकता होती है, नैतिकता का जो स्तर होता है वो दूसरे पर आधारित होता है। इस उम्र में एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को, अपने शिक्षकों को वो आदर्श मान लेता है। अब दूसरा आपका आता है रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, जो मुख्य रूप से 10 से 13 वर्ष का होता है, जिसमें लेवल ऑफ कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। ये क्या होता है, जैसे कि इस स्तर से वो ऊपर उठ चुका है, और ऊपर उठ चुका है उसके बाद वो क्या करता है कि धीरे 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 उसमें नैतिकता का समावेश होता जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे, पहले तो वो अपने माता पिता पर जो वो कह देते थे वही वो समझता था कि ये नैतिकता है, लेकिन अब चूंकि इसका स्तर थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ा है, तो वो धीरे 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 क्या करता है, नैतिकता को अपने आप में समावेश करने की कोशिश करने लगता है। इसमें ये क्या करता है कि अब जो समाज के अच्छे रूल होते हैं, परिणाम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसको वो समझता है कि नहीं, यही काम अच्छा है, और जो समाज के नियम के विरुद्ध नहीं है वही काम उसको समझता है कि ऐसा करना चाहिए, और नहीं तो फिर हमें क्या हो सकता है, हमें सजा मिल सकती है। इस प्रकार से वो अब इस स्तर पर आकर के, सेकंड स्तर पर आकर के, वो मानने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, और वो वही काम करना चाहता है जो समाज के लिए आदर्श हो, समाज के लिए हितकारक हो, समाज के विरुद्ध ना हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम समाज के विरुद्ध काम करेंगे तो हम पर कार्रवाई हो सकती है। इस प्रकार से ये सेकेंड स्तर आपका आता है। अब ये तीसरा आता है आपका उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। ये क्या होता है, कोहलबर्ग का मानना था कि ये जो व्यक्ति जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो तक ही अटक जाते हैं, अर्थात दूसरे पर ही अटक जाते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस नैतिकता के स्तर को छू पाते हैं या इस पर आरूढ़ हो पाते हैं। इनका कहना था कि लगभग 25% लोग ही इस अवस्था में इस नैतिकता के स्तर तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम दूसरे स्तर तक ही रह जाते हैं, कन्वेंशनल स्टेज तक ही रह जाते हैं। इसके बारे में इन्होंने बताया कि
इस अवस्था में, इस नैतिकता के स्तर में क्या होता है कि व्यक्ति संपूर्ण रूप से नैतिकता के बारे में अपने आप को आत्मसात कर लेता है, नैतिकता को आत्मसात कर लेता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, किस रिश्तेदार के साथ हमें क्या संबंध निभाना चाहिए, किस समाज के लोग के साथ हमें किस प्रकार से पेश आना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी उसके पास होती है। और फिर कानून के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, परोपकार की स्थिति में उसको क्या करना चाहिए। लेकिन इन तीनों स्तरों में आप देखेंगे तो इसमें ये जो तीसरा स्तर है वो सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। हमने जो एक स्टोरी बताई थी हिंज और वो जो उसकी पत्नी महिला थी, तो उसके बारे में अभी आप देखेंगे कि क्या उसको चोरी करना चाहिए था, हिंज को चोरी करना चाहिए था, क्या वो लोगों के सिद्धांत के हिसाब से अनुकूल था, या फिर वो कानून के हिसाब से सही था, या परोपकार के दृष्टिकोण से सही था। तो आप जानेंगे कि उसके उसको परोपकार के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो परोपकार के दृष्टिकोण से तो वो ठीक था कि वो चोरी कर लिया और अपनी पत्नी का जान बचा लिया। लेकिन क्या आप नियम के संदर्भ में जाएंगे तो क्या नियम के संदर्भ में वो अच्छा था? चोरी करना तो पाप है, चोरी करना तो नैतिकता के खिलाफ है, चोरी करना तो आपका सिद्धांत के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है। तो फिर आप ये देखेंगे कि इसमें इसी प्रकार से नैतिकता का विकास इन्होंने दिया है। और हमेशा इन्होंने जो मैंने बताया था कि 10 से 16 साल के जो साक्षात्कार बच्चे का इन्होंने किया था उसमें इसी प्रकार के बहुत सारे अनसुलझे जो पहलू थे वो उनके बीच में उन्होंने डाला था कि एक तरफ ये करना चाहिए, दूसरी तरफ ये नहीं करना चाहिए। इन दोनों में जो एक प्रकार का दुविधा थी, असमंजस की स्थिति थी, उसी से इन्होंने रूबरू करवाया और साक्षात्कार के दौरान, और इस प्रकार से नैतिक विकास के सिद्धांत को आज मैंने आपको बताया। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।